जयपुर में बसी मानसागर झील के पानी में आजकल खुशी की परछाई नजर आती है। पक्षियों की ये चहचहाहट आभास देती है एक शुरुआत की। 1960 के दशक तक जयपुर कुछ इस तरह बढ़ा कि बारिश के पानी से ज्यादा सारे शहर का सीवेज नालों से आने लगा। पहले बिल्कुल जंगल था, बयाबान था, भयानक था, डरावना था। यहाँ खड़े रहने में बदबू आती थी। पहले ये था कि गंदगी बहुत रहती थी। अब पहले बच्चों के लिए गार्डन नहीं था खेलने के लिए। सन 2003 में राजस्थान सरकार ने झील और उसमें बसे जल महल के पुनरुत्थान के लिए एक अनूठा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव अपनाया। झील से करीबन 20 लाख टन गाद निकाली गई और इसकी गहराई बढ़ाई गई। ब्रह्मपुरी नाला जो सीधे झील में आ गिरता था उसकी दिशा घुमाकर नागतलाई नाले के साथ सीधा बांध की तरफ ली गई। Where we are standing right now is actually the treatment plant. So we worked with professors from IIT, Shyama Solekar, Soli RC Walaji, Chal Kapadia. In one side of the team and Harold Kraft, who's a German engineer, on the other side. 310 एकड़ की इस झील में अब कई तरह की मछलियाँ, कछुए और अन्य जीव बसने लगे हैं। Nice है, बाहर से भी अच्छा लग रहा है। अब बढ़िया है ये, पहले से बहुत अति सुंदर है। काफी अच्छी हरियाली वगैरह हो गई है। It is a moment of pride for every Jaipurian to see it in such a glorious setting now, where you have birds and you have sparkling water and you can reach Jal Mahal and you have a moment of calm. It wasn't focused only on the building; it was focused on the whole environment. It wasn't just about architectural restoration; it involved restoring the lake, restoring the lakeside. Mansagar Jhil ka ye punaruddhar. प्रोजेक्ट जल तरंग का अभिन्न अंग है। ये इसकी सफलता की दिशा में पहला कदम है। ये भारत में एक अनूठे मानवकृत वेटलैंड कंजर्वेशन की कोशिश है। चलमाल प्रोजेक्ट एक्चुअली इज बीन कंसीव्ड एज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन प्रोजेक्ट। व्हाट इट वुड मीन इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म इज एब्सोल्युटली डबलिंग द पोटेंशियल ऑफ द सिटीज रेवेन्यू स्ट्रीम्स। आई थिंक इट शुड हैव अ वेरी ग्रेट इंपैक्ट ऑन इन द लॉन्ग टर्म। मानसागर झील में ये नया कलरव जयपुर के पर्यावरण, पर्यटन और व्यावसायिक उन्नति की ओर एक प्रगतिशील कदम है।